हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रेडमी 8A के बारे में। और गाइस, हमारे आज का टॉपिक है साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग, हाउ टू यूज टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको सेटिंग पर चले जाना है एंड यहाँ पर आपको देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन एंड रिंगटोन रिमिक्स, ये अलार्म, यहाँ पे रिंगटोन पे क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे साउंड इफेक्ट वगैरह या फिर कस्टम साउंड, लोकल रिंगटोन, यहाँ से जो भी है यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ अपने जो फाइल से यहाँ पे सिलेक्ट कर पाते। इसी प्रकार यहाँ पे अलार्म में, नोटिफिकेशन में, मैसेज टोन यानी कि सेट कर पाते। यहाँ पे आप यहाँ से साउंड एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ से म्यूजिक ये सारा का सारा वाइब्रेट फॉर कॉल, इसे ऑन कर देंगे तो जब भी आपको किसी को कॉल आएगा तो वाइब्रेट होगा एंड वाइब्रेट इन साइलेंट मोड, अगर साइलेंट भी रहेगा तो वाइब्रेट होगा। ठीक है, स्पीकर वाइब्रेट तो टर्न ऑन आप करना चाहते हैं लेफ्ट राइट या तो यहाँ से कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग का मिल जाता है ऑप्शन यहाँ पर एंड साउंड इफेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, एडजस्ट बटन एंड ये मिल जाता है एयरफोन एंड यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे चल जाना है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायल पे टर्न ऑन एंड टैप साउंड, लॉक स्क्रीन साउंड, स्क्रीनशॉट साउंड, डिलीट साउंड एंड बोट साउंड, इसे जितने भी इसे भी ऑन करेंगे तो आप क्या होगा, जब भी आप इसे स्क्रीन पे कुछ भी टच करेंगे तो वो सारे के सारे साउंड आना या नहीं आना वहाँ से सेट कर पाते। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाइए।